दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे में 3 यूपीएससी छात्रों की जान जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक यूपीएससी छात्र के सुसाइड की खबर सबके सामने आ रही है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में किराए के कमरे में रहकर यूपीएससी की तैयारी करने वाली महाराष्ट्र की एक छात्रा ने बीते दिन खुदकुशी कर ली थी और सुसाइड नोट में लिखकर सबको हिलाकर रख दिया। यूपीएससी की छात्रा ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड की और सुसाइड नोट में बताया कि यूपीएससी के छात्र किस दबाव में सिविल सेवा की तैयारी करते हैं। उनकी रोजमर्रा की दिक्कतें परेशानियों का जिक्र नोट में किया गया। जानकारी के मुताबिक छात्रा ने सुसाइड 21 जुलाई को किया था। इसके ठीक 6 दिन बाद ओल्ड राजेंद्र नगर में ही कोचिंग हादसा हुआ था जिसमें 3 यूपीएससी छात्रों की डूबकर मौत हो गई। सुसाइड नोट में छात्रा ने अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हुए कई बातों का जिक्र किया और बताया कि उसे खुदकुशी जैसा बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा। छात्रा ने लिखा, मम्मी पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब जिंदगी से तंग हो चुकी हूँ। जिंदगी में सिर्फ परेशानी है और कोई शांति नहीं है। अब मुझे शांति चाहिए। मैंने इस डिप्रेशन से छुटकारा पाने की काफ़ी कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं डॉक्टर के पास भी गई लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में आगे लिखा, मेरा एक ही सपना था कि मैं पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तभी से मैं परेशान थी। इस बात को सभी जानते हैं और सभी ने मुझे सपोर्ट भी किया। छात्रा ने अपने माता पिता को लिखे सुसाइड नोट में आगे लिखा, अब मैं खुद को बहुत असहाय महसूस करती हूँ और हंसी खुशी रहना चाहती हूँ और शांति में रहना चाहती हूँ। छात्रा ने अपने 3 पन्नों के सुसाइड नोट में आके लिखा, मैंने किरण आंटी के घर में भी काफ़ी इंजॉय किया। हमेशा मेरा साथ देने के लिए आंटी और अंकल का धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब मैं अब डिज़र्व नहीं करती और ना ही अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। अब जिंदगी की परेशानियों को झेलना मेरे लिए बेहद ही मुश्किल हो रहा है। मैं इन परेशानियों को सहने के लिए उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। मैं अपनी इच्छा से और खुशी करने जा रही हूँ। छात्रा ने सुसाइड नोट में लिखा, मुझे पता है ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी। मुझे पता है खुदकुशी किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हैं। छात्रा ने सरकार से अपील की, परीक्षाओं में हो रही धांधली को रोका जाए और रोज़गार के अवसर पैदा किए जाएं। छात्रा ने कहा, कई युवा नौकरी पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ये मेरी ज़िंदगी है और मुझे कुछ भी करने का अधिकार है। ऐसे में किसी को इसे न्यूज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। छात्रा ने आगे नोट में लिखा कि मैं पीजी और हॉस्टल के बढ़ते किराए का भी मुद्दा उठाया है। उसने लिखा, पीजी और हॉस्टल के किराए को भी कम किया जाना चाहिए। ये लोग बस छात्रों को लूट रहे हैं, सारे छात्र इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। छात्रा ने लिखा, किसी को ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को एक ना एक दिन मरना ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।